दोस्तों कुछ घटनाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि उनकी चर्चा मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं इस घटना का जिक्र इसलिए करता हूं कि ताकि समाज को जागरूक किया जा सके कि ऐसे चालाक लोगों से, खतरनाक लोगों से बच के और सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर कातिल और ये सातिर व्यक्ति आपके अपने ही घर में हो तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना ऑस्ट्रिया की एम्स्टेटन नामक शहर की है, जहाँ पे जोसेफ फ्रिडजल, उसकी पत्नी और उसकी एलिजाबेथ फ्रिडजल नाम की बेटी रहती थी। बेटी अभी जब 15 या 16 साल की थी तो एक बार घर छोड़ के चली गई थी। हाँ, इस बात से कहीं ना कहीं जोसेफ फ्रिडजल इनसिक्योर का भाव रखता था और उसके मन में कहीं ना कहीं बेटी के प्रति एक खुन्नस का भी भाव था। खैर, अब ये घटना की शुरुआत है। उसके बाद जोसेफ फ्रिडजल कहीं ना कहीं मन में उसके अंतर मन में अपने बेटी के प्रति एक ऐसा निगेटिव थिंकिंग घर कर गया था। जो बाद में रिपोर्ट आई, बताया गया कि जोसेफ फ्रिडजल एक साइको व्यक्ति था। वो उसका घर था और घर में ही उसने एक तहखाने का निर्माण करना शुरू कर दिया। बेटी पे गलत निगाह थी उसकी, ये शुरू में ही उसने अपना इरादा जाहिर कर दिया था। और जब बेटी 18 साल की हुई तो लगभग लगभग उसका तहखाना पूर्ण होने को आया और उसने कहा कि एलिजाबेथ, मैं तहखाना बना रहा हूँ, उसमें एक दरवाज़ा फिट करना है और मैं चाहता हूँ कि उस दरवाजे को फिट करने में तुम हमारी मदद करो। एलिजाबेथ का वो पिता था, वो कैसे नहीं मानती? कोई भी बेटी अगर उसका बाप कहता है मदद करने के लिए तो जाहिर सी बात है वो मदद करेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये ज़िंदगी आज जो वो दरवाज़ा फिट करने जा रही है, शायद 24 सालों तक वो उसके जीवन का सबसे नारकीय जीवन होकर रह जाएगा। जैसे ही एलिजाबेथ फ्रिडजल वहाँ पे जाती है, जोसेफ जो है उसके नाक पे रुमाल से भरा हुआ ईथर सुंघा देता है। एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है और उसे अपने बनाए हुए तहखाने में ही उसे कैद कर देता है। फिर शुरू होता है वो दर्द भरा और जहन्नुम भरा, एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि जीवन को जहन्नुम बना देने वाला कार्यक्रम शुरू होता है कि जोसेफ फ्रिडजल का जो हैवानियत भरा चेहरा था, जो एक बाप था लेकिन उसके अंदर का जो शैतान था, किस तरीके से एलिजाबेथ के साथ। अब आपको मैं सिलसिलेवार घटना बताता हूँ। इसके बाद वो एलिजाबेथ को कैद कर देता है और अपने ही बेटी का लगातार रेप करता है और ये धमकी देता है कि अगर ये घटना तुम बताओगी तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, तुम्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उसने घर के सारे दरवाजे को, सारे सुराख तक को बंद कर दिया और कभी कभी एलिजाबेथ को वो इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। हजारों बार उसने उसका रेप किया, उसको मारा, पीटा, इलेक्ट्रिक शॉक दिए, यहां तक कि अपने ही बेटी से उसके 7 बच्चे पैदा हुए। जब कोई पूछता था कि एलिजाबेथ कहाँ है तो ये बता देता था कि एलिजाबेथ, चूंकि उसके पास एक बहाना था, लोग भी जानते थे कि एलिजाबेथ एक बार घर छोड़ के चली गई थी किसी धार्मिक संगठन में शामिल होने के लिए, तो लोग, उसने आसानी से कह दिया कि एलिजाबेथ घर छोड़ के चली गई और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। तो उसकी पत्नी को भी लगा कि एलिजाबेथ घर छोड़ के चली गई है, पड़ोसियों को भी लगा कि एलिजाबेथ घर छोड़ के चली गई है, लेकिन एलिजाबेथ को तो उसने कैद करके रखा हुआ था। 7 बच्चों में से एक बच्चा मर गया जिसको उसने चुपचाप ले जाके बाहर कहीं फेंक दिया या गाड़ दिया। करते धरते जो एक उसकी बेटी थी 19 साल की, कर्स्टन नाम की, वो काफी बीमार पड़ गई, भयंकर बीमार पड़ गई और ले जाके उसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उस समय उसकी उम्र 19 साल थी, बेटी की उम्र 19 साल की हो गई थी। आपको मालूम होगा कि 24 साल से कैद में रखा था, जब ही 18 साल से 42 साल की उम्र तक एलिजाबेथ फ्रिडजल उसके कैद में रही। 19 साल की बेटी हॉस्पिटल में जाती है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। डॉक्टर जब देखते हैं तो उनको कुछ शक होता है, वो पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस वाले भी उससे पूछताछ करते हैं लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं होती। अंत में वो जोसेफ से कहता है कि अगर इसकी माँ नहीं आएगी तो ये लड़की ठीक नहीं होगी, अतः इसकी माँ का आना बेहद ज़रूरी है। जोसेफ तो पहले टालम टोल करता है लेकिन अंत में जब पुलिस कहती है और डॉक्टर कहते हैं नहीं आपको इसको लेके आना ही होगा तो जोसेफ मजबूर हो जाता है। लेकिन एलिजाबेथ के पास जाता है, कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा लेकिन अगर तुमने कोई भी बात बताई तो
तो फिर तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तुम्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। एलिजाबेथ काफ़ी डर गई। डरते डरते वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन पुलिस वालों को और डॉक्टरों को शक हुआ। उसने ये पुलिस वालों ने कहा और डॉक्टरों ने भी कहा कि तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे सजा दिलाने का ये मैं वादा करता हूं। तब एलिजाबेथ को हिम्मत आया, उसने बताया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना को जिस दिन महसूस आप करेंगे, उसने बताया कि मेरे बाप ने मुझे 24 साल से कैद करके रखा, हजारों बार उसने मेरे साथ रेप किया, मैं उसने अश्लील वीडियो भी बनाए, यहाँ तक कि मेरे 17 साल 19 साल के बच्चियों के सामने वो मेरा रेप करता था और मेरे वीडियो बनाता था। मैं असहाय थी और मुझे तहखाने में रखा गया था। मैंने 24 सालों में कभी सूरज नहीं देखा है, कभी चांद नहीं देखा, कभी सितारे नहीं देखे हैं, न कभी रात देखी है मैंने। दुनिया के सामने जब ये घटना आती, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाती, क्योंकि ये सच्ची घटना है, ये कोई बनावटी घटना नहीं है। आप कभी भी ऑस्ट्रिया और जोसेफ प्रिट्ज़ल को सर्च करेंगे तो ये आपके सामने ये आ जाएगी। फिर उसके बाद उसकी माँ भी आती है, एलिजाबेथ की माँ आती है। जब वो जानती करे मेरी बेटी को मेरा हस्बैंड ही तहखाने में कैद करके रखा था, ये घर छोड़ के नहीं भगी थी, बेचारी बिलख बिलख के अपनी बेटी के साथ चिपक के रोने लगती है। पुलिस जोसेफ प्रिट्ज़ल को अरेस्ट कर लेती है। जोसेफ प्रिट्ज़ल जेल में जाता है, कोर्ट में अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। 2009 में उसको सजा होती है, और गुनाहों को कबूल कर लेने के बाद बेहद ही नाटकी ढंग से उसने अपने अंदर एक सुधार वाली स्थिति लानी शुरू कर दी। और चूंकि विदेशों का कानून बहुत लचर होता है, अब उसके एडनर जो उसका वकील है, उसने बताया कि अब उसके मुवक्किल को शायद ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी, और उसका मुवक्किल पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है, अब वो समाज के लिए खतरा नहीं है, इस बिना पे उसको अब रिहा कर दिया जाएगा। ये ऑस्ट्रिया का कानून है, लेकिन उन बच्चों का क्या, उसके उस बेटी का क्या जिसने 24 सालों तक इस दर्द को सहा। रिपोर्ट के अनुसार एलिजाबेथ प्रिट्ज़ल अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रिया के ही किसी गांव में चुपचाप छुप के रहना शुरू कर दी। बाद में साल भर बाद उसे बेगनर नाम के एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उसके साथ वो शादी कर लेती है। फिर कहीं वो अज्ञात जगह पे चले जाते हैं। दोस्तों, जब ये घटना प्रकाश में आई तो पूरे यूरोप सहित पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा लिया कि क्या एक बाप भी इतना हैवान हो सकता है जिस तरीके से जोसेफ प्रिट्ज़ल था। दोस्तों, आप बताएं, क्या वास्तव में जोसेफ प्रिट्ज़ल जो कि अब रिहा होने जा रहा है, क्या उसे रिहा होना चाहिए, या फिर इंडिया जैसे देशों में या फिर अरब जैसे देशों में जो सज़ा दी जाती है, या तो फांसी की सज़ा या फिर उसका सर कलम कर देना, वो सही था? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।